अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गोंदल व्लॉग्स। मेरा नाम है उस्मान इब्राहिम। दोस्तों, आज की वीडियो एक डॉक्यूमेंट के हवाले से बनाई जा रही है जिसका नाम है ओरल पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड। दोस्तों, ये जो कार्ड है या फिर ये जो सर्टिफिकेट है, अगर आप पाकिस्तान से किसी भी कंट्री के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है और ये पाकिस्तान की हर एयरपोर्ट पर हर एयरलाइन की तरफ से ये डिमांड किया जाता है। तो इसको आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, जनरेट किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले वैक्सीनेशन लेनी है या पोलियो के कतरे पीने हैं। तो उसके लिए आपने जाना है करीबी हेल्थ सेंटर पे और वहाँ पे जाकर पोलियो के कतरे पीने हैं और अपने एक वाइफ का अंदराज करवाना है। उसके बाद ये आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, उसके बगैर ये नामुमकिन है। तो देखें, यहाँ पर एक वेबसाइट है, मैं उसका URL आपके साथ शेयर कर देता हूँ, nims.nadra.gov.pk। वहाँ पे आपने आ जाना है, गूगल पे लिखना है। ये सर्टिफिकेट जो है आप मोबाइल पे भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपने COVID-19 का बनाया था ये सेम तरीका वैसे ही है। तो आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है, डायरेक्ट एक वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ, आप गूगल प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आजकल एरर आ रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ से करवा रहा हूँ। यहाँ पे दो टैब आ गए हैं, एक दीगर वैक्सीनेशन और दूसरा COVID-19 वैक्सीनेशन। हम जाएंगे दीगर वैक्सीनेशन पे। मैंने दीगर वैक्सीनेशन के टैब पर क्लिक कर दिया और ये देखिए नीचे विंडो ओपन हो गई है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का वसूल। उसके लिए आपने क्या करना है, अपना नेशनल ID कार्ड का नंबर लिखना है यहाँ पर। ये दूसरा टैब जो है, क्या आप CRC होल्डर हैं, इसको छोड़ देना है। और शनाख्ती कार्ड का जो तारीख अजरा है या इशू डेट है वो लिखनी है, और नीचे आपने वैक्सीन मुंतखब करनी है कि कौन सी आपने कार्ड बनाना है। तो ये देखें आ गया यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। इसके बाद आपने करना है तस्दीक करें। जैसे ही आप तस्दीक करें पर क्लिक करेंगे, एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपने अपने नाम के स्पेलिंग लिखने हैं जो पासपोर्ट पे हों, और पासपोर्ट नंबर लिखना है और कौमियत लिखनी है। ये सब कुछ लिखने के बाद आपने तस्दीक करें पर क्लिक करना है। एक नई विंडो आएगी, ब्राइक्रम सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए मंदरजा दर दिए गए अदायगी के तरीकों में से किसी एक तरीके का इंतखाब करें। एक क्रेडिट कार्ड का तरीका है कि आपने किस तरह से पेमेंट करनी है, दूसरा है जायज़ कैश वगैरह, वहाँ पर आप क्लिक करें जो भी आप करना चाहते हैं। मैंने जायज़ कैश पर क्लिक करना है, तो जारी रखे पर क्लिक कर दें। यहाँ पे आपने 100 रुपीज़ फ़ीस पे करनी है, और ये जहाँ पे एक टैब खुलेगा, आप ट्रैकिंग नंबर वो आपको दिया जाएगा, वो आपने कॉपी कर लेना है और अपनी जायज़ कैश ऐप में आना है। यहाँ पे गवर्नमेंट पेमेंट्स वाले टैब पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने NIS के टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही आप NIS के टैब पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपसे ट्रैकिंग नंबर मांगा जाएगा। आपने ट्रैकिंग नंबर लगा कर पेमेंट कन्फर्मेशन के टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही पेमेंट कन्फर्म हो जाएगी, आपने दोबारा उसी वेबसाइट पे जाना है जहाँ पे आपने सारा डाटा पुट किया था, वहाँ पे आपने आकर अदायगी की तस्दीक करनी है और वो पेमेंट आपके दा हो जाएगी। फिर आपसे पूछेगा कि देख लें अपने क्वाइफ ठीक हैं, दुरुस्त हैं, कंफर्मेशन मांगेगा। आपने अंदराज करें पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अंदराज करें पर क्लिक करेंगे, तो आपको बोला जाएगा कि आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। इस टैब पर क्लिक करें और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें, उसके बाद आपके पास इस तरह का सर्टिफिकेट आ जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।